नो चिली दे दे क्या हमारे दो पिज्जा आते हैं लाल मिर्च। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप गाइस सब लोग ठीक होंगे। तो फिलहाल गाइस अभी हम लोग बैठे हैं सब लोग धूप में, धूप सेक रहे हैं बैठ के। मेरा फेस कैसा हो रहा है यार, ये ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाता है इसलिए ऐसा हो जाता है। अभी दिखाता हूँ मैं क्या हो रहा है पीछे। ये देखिए सब लोग यहाँ बैठ के धूप सेक रहे हैं, लल्ली को दूध पिलाया जा रहा है, लल्ली भी लेटी हुई है। ये मैं भाई छाई में बैठा हूँ, ये देखिए मैं बैठा हूँ आराम से अपनी छाई में, क्योंकि मुझे आज धूप में ज़्यादा बैठ नहीं मिलता, तो थोड़ी बहुत देर बैठ जाता हूँ, ज़्यादा देर तो नहीं बैठ मिलता है। ठीक है भैया, धूप ऊप खाते हैं फिर चल देखते हैं कहाँ जाना है, कहाँ में निपटाएंगे। ठीक है तो गाइस फिलहाल अब हम कर रहे हैं पिज्जा पार्टी अपनी, जाज रहे हैं यार बैठी और कोई काम नहीं है ऐसे नहीं ना। अभी एक ऐसी बात हुई थी जिस भाभी क्या बात हुई थी ऐसी चलता है। अच्छा अच्छा इफेक्ट आता है वो लगा के देख रहे हैं ना। मैं आपके भी चिल्ली डाल दूं? चिल्ली चिली चिली नहीं, चिली नहीं, नो चिली दे दे क्या हमारे दो पिज्जा आते हैं। लाल मिर्च डाल दे उसी से। भैया चिली मेरे में मत डालना यार, बोल सीधे लाल मिर्च डाल दे ना। नो लाल मिर्च नहीं भैया, मेरे में सीधा डालना जीरा पाउडर मसाला और सॉस डाल देना, बस बहुत है। फ्रीज में कांटा निकाल लिया, पहले खा लो बाद में मार लेना। हाँ अभी रखे आओ। ठीक है चलो पार्टी करें, उसके बाद काम निपटाने चल के अपना जा रहे हैं। गाइस पैकिंग वैकिंग हो चुकी है, तो बॉक्स पैक करा लिया रखते हैं स्कूटी में, फिर निकलते हैं। अरे बच्चा भी अरे यार बोलते हैं ठीक है, मिशन आ गया हूँ स्कूटी को लेकर। क्या क्या रखा है, एक काम करता हूँ उसको थैले में रख लो, रख लो पहले पैक हो गया मैं रख लिया, मैंने टांगते हैं फिर निकलते हैं। तो गाइस दिस इज द नेक्स्ट डे, कल यार रात ज़्यादा हुई थी तो ब्लॉग ज़्यादा करा नहीं, इसलिए आज मैं जा रहा हूँ अपने एक लेफ्ट रिलेशन में जा रहा हूँ, वहाँ पे फंक्शन है तो वहीं पर जाऊँगा। तो अभी थोड़ा रेडी वेडी हूँ, उसका आपको जो ब्लॉग मिलेगा वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग मिलेगा, ये ब्लॉग नहीं होगा। ये ब्लॉग मैं सिर्फ आपको थोड़ा वक्त से दिखाया गया हूँ, अब फिलहाल मैं जा रहा हूँ एक रिलेशन में, आपको तो पता ही है। अभी फिलहाल थोड़ा काम है वो कर लेता हूँ, भाभी ने बोला सुबह सुबह पहले काम निपटा के तब जाना आप, ठीक है। और मेरी 11 मैं ट्रेन से जा रहा हूँ, बाइक से नहीं जा रहा हूँ यार, बाइक से अकेले जाते हुए मज़ा नहीं आता है, तो मैं घर से अपने अकेले ही जा रहा हूँ। ठीक है तो अभी फिलहाल जाएंगे, घर का पहले सामान वामान थोड़ा बहुत रह गया था वो ले आ रहे हैं, उसके बाद फिर चलेंगे, फिर मिलते हैं, सीधा स्टेशन जाएंगा उसके बाद फिर वहाँ से स्टार्ट करेंगे नया ब्लॉग, वो आपको बाद में मिलेगा। ठीक है चलिए फिर पहले काम निपटा लेते हैं, उसके बाद फिर रेडी वेडी होकर फिर निकलते हैं यहाँ से। तो फिलहाल गाइस घर से बाहर निकल चुका हूँ मैं और अभी जा रहे हैं सामान लेने के लिए घर का। और यार हाँ ठीक है, तो सामान वामान लेते हैं घर पे देते हैं, उसके बाद फिर जाएंगे यार कहीं, समथिंग 12 बजे ट्रेन है हमारी, हमें 11:30 पे निकलना पड़ेगा घर से। ठीक है और पता है आज धूप तो हो रही है,
धूप तो हो रही है, अच्छी खासी हो रही है, पर धूप के साथ साथ हवा ठंडी बहुत चल रही है। इतनी मतलब ठंड लग रही है, धूप तो लगी नहीं रही है बॉडी में, ठंड लग रही है। छाव में चलाओ तो और तगड़ी लग रही है, धूप में तो इतनी तब भी थोड़ा लग रहा है, हमें कुछ तो लग रहा है शरीर में। ओए बड़ी ठंड है यार, कब जाएगी ठंड पता नहीं। देखो जब ठंड आती है तो ठंड भी बहुत लगती है, गर्मी आती है तो गर्मी भी बहुत लगती है, पता नहीं क्या है यार, सिस्टम समझ में नहीं आता है। ये तो दुकान बंद है भाई ले, ये तो बंद है दुकान, देखते हैं और एक चाहिए सामान वहां से। हाँ ये खोलिए, हमें देना है यहाँ से सरसों का तेल, यहाँ तेल ले लेते हैं। तो गाइस तेल भी ले लिया है मैंने, ये देखिए पेपर रखी है। तो अब यार एक चीज और लेनी, मुझे फॉइल पेपर लेना है, भाभी ने बोला था वो भी ले लेता हूँ यार, फिर निकलूँ फटाफट घर के लिए। ओ भाई मुझे ठंड तो बहुत लग रही है यार, क्या करा जाए, ठंड बहुत है, ठंड ठंड ठंड। अब ये भी है ठंड को देखते रहेंगे तो यार काम वाम कैसे हो पाएगा, ये भी तो समझो भाई, कहाँ मिल जाएगा। तो गाइस फॉइल पेपर भी ले लिया है, मतलब सिल्वर फॉइल, ठीक है अब इसको लेके। तो गाइस सामान वामान सब ऑल डन हो चुका है अपना, तो अब निकलते हैं घर के लिए। और धूप मस्त हो रही है वैसे, पर ठंडी लग रही है यार, धूप तो अच्छी हो रही है, देखते हैं भैया घर पहुँचाते हैं। घर पे जाके कोई और काम ना मिल जाए यार, काम एक तो बहुत होते हैं और एक लोग तो परमानेंट घर में रहना ही रहना है, मुझे बाहर घूमना पड़ता है इधर से उधर। तो चलते हैं घर पर, सामान वामान देते हैं वाला, फिर देखते हैं तैयार मैं रहूँगा, फिर निकलेंगे वहाँ के लिए। ओए होए होए ये यार स्कूटी में प्रॉब्लम आ जाती है यार, क्लिच दबाना पड़ जाता है बार बार। स्कूटी भी मेरी पता है बाइक की तरह हो चुकी है, जब तक आप क्लिच नहीं दबाओगे तब तक वो चलेगी नहीं, जब तक क्लिच दबाओ तब ये स्कूटी चलेगी, बड़ी समस्या है। उधर से आते वक्त मैं पता अपना फेस इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि सन जो है वो इधर पड़ रहा है, और मैं अगर इधर से ऐसे करके दिखाता तो सन की लाइट जो पड़ती तो मेरे को मेरा फेस दिखता नहीं है आपको, इसलिए मैंने बैक कैमरे से किया, अब मैं फ्रंट से कर रहा हूँ। और स्कूटी में तो कोई दिक्कत होती, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम आराम से चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सामने देख के केयरफुली प्लीज़ आप लोग मत ट्राई कीजिए। और भाई लोग हैं वो तो उनसे क्या मना करेंगे, तब भी वो नहीं मानेंगे। तो चलिए फिर घर पर पहुँच रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए गाइस इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, आई होप गाइस आपको लोग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज बिल्कुल लाइक करिए, चैनल पर सब्सक्राइब करिए। तब तक लिए टाटा बाय बाय।